नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ गर्मियों में पी जाने वाली ठंडी ठंडी ड्रिंक कच्चे आम और पुदीना के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के संग शेयर भी कीजिएगा, और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से कच्ची केरी और पुदीने का शरबत की रेसिपी देख लेते हैं। कच्ची केरी का शरबत बनाने के लिए यहाँ हमने दो कच्चे आम ले लिए हैं। आप कोशिश करें कि आम मीठे क्वालिटी के हों। अगर मीठे क्वालिटी के आम होंगे तो आपको इसमें चीनी थोड़ी कम मात्रा में डालनी होगी। तो आम को अच्छे से साफ़ करने के बाद हमने इसके छिलका उतार लिया है और इसको रफली हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा सड़ा हुआ है तो इसे मैं कट करके निकाल लूँगी और फिर इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे एक ब्लेंडर जार में ले लेते हैं और इसमें आधी गड्डी पुदीना की पत्तियों को हमने मिला लिया है, साथ में 3-4 क्यूब्स आइस के लिए हैं और इसमें थोड़ा सा सादा नमक लिए हैं और आधा छोटा चम्मच ब्लैक सॉल्ट और आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और एक कटोरी पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। आम और पुदीना का फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है तो हम इसे एक स्ट्रेनर में डाल करके छान लेंगे ताकि इसमें फाइबर या फिर आम के जो बड़े टुकड़े हों वो निकल जाएँ। और इस स्पैचुला से दबाते हुए हम इसका रस निकालेंगे और थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि आम का पूरा रस अच्छे से निकल सके। आम पुदीना के रस को हमने अच्छे से छान लिया है और अब हम इसमें 1 लीटर चिल्ड वाटर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आप चीनी ऐड करना चाहते हैं तो जब आप इस आम पुदीना को ग्राइंड करते हैं उसी समय आप चीनी भी डाल दें। और अब हम शरबत को सर्व करने के लिए ग्लास रेडी कर लेते हैं। यहाँ हमने एक प्लेट में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल करके एक पाउडर रेडी कर लिया है। और अब हम ग्लास के एजेस पे नींबू के स्लाइस रगड़ेंगे और इसे हम इस पाउडर से रैप कर देंगे। तो ग्लास हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें आइस के कुछ क्यूब्स डालेंगे और जो हमने शरबत रेडी किया है उसे फिल कर लेते हैं। ऊपर से हम पुदीना की पत्ती और नींबू के स्लाइसेस से इसे गार्निश कर लेते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, हमने फटाफट से आम पुदीना शरबत रेडी कर लिया है। तो आप इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।